सहेली तो नहीं है, कोई चुड़ैल उसकी सहेली तो नहीं है। शादी जरूर करना पर इतना पूछ कर, वो आशा राम बापू की चेली तो नहीं है। गुड़ियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको झुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था जिंदगी की ना टूटे लड़ी चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी, लड़की है छत पे खड़ी भले है 10 साल बड़ी। एक गाना आया था अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हम कहे आओ मोटरसाइकिल बैठो थाना छोड़ देंगे। एक गाना आया था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब तुम्हें शादी शुदा जाना। तमाम अल्फाजों से आपके बीच में पहुंच रहे थे, लेकिन अब हम एक तहत के शायर को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं। अभी जमाल भाई यहाँ बहुत खूबसूरत शेर हाजिर कर रहे थे, तो इतने में माला जो है वासिफ साहब ने पहनाया, पहनाते वक्त उनके पैर लड़खड़ा गए, तो यहाँ ईंटा रखा हुआ है। हमने पूछा वासिफ साहब ये माइक के नीचे ईंटा क्यों रखा हुआ है, बोले जो शायर अच्छा पढ़ेगा उसको माला डालेंगे, और जो नहीं पढ़ेगा उसको ईंटा से सर फोड़ेंगे। हमने कहा अरे क्या कहा जो है, ऐसे कैसे बनेगा कोई जब तुम्हारा, थोड़ा माइक सही कर लो, जब मैं आऊं तो माइक को दूसरे ढंग का बना, लेकिन माइक में इतना आवाज ना डाल देना कि इको आवाज झंझना के निकले, नहीं तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम बोल रहे हैं और बोल पता चलेगा हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं, उसमें दो दो आवाजें ऐसे फेंकने लगेंगे, तो हम न शायर ही रहेंगे न शायरा ही रहेंगे, आपका दायरा मुशायरा सब इसी में एक में घुल मिल जाए, जैसे चटनी और रायता एक में मिल जाए, पता ही नहीं चले कि आप क्या खाना है क्या नहीं। और यहाँ तमाम बूढ़े हमारी भी तरफ देख रहे हैं, जिनको कम दिख रहा है सोच रहे हैं ये है कि ये ही है किसी है, यही नहीं समझ पा रहे हैं ये शायरा तो नहीं है, वो हमें उसी नजर से देख रहे हैं। अब जिनको खूब बढ़िया दिखाई दे रहा है वो उधर तक देखते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है, कितना हसीन चेहरा, थोड़ा माइक सही कर लो, हंगामा होने वाला है, माइक सही कर लेना। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झाके, वो भी तुमको झाके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, हो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी, अब तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिलिया। इसी तरह चाहे जितना माला पहनाओ लेकिन बेटा मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं होने वाला, कभी जवाब सुना दिया भाई, चाहे जितना मैं माला पहनाओ मैं इस जन्म में किसी का नहीं होने वाला। मैं जब अपनी बीवी का नहीं हुआ पूरा का पूरा, अगर अपनी बीवी का पूरा पूरा होता है रात का हुआ ना रही, ये तुम्हारे साथ रात में क्या बजा बताइए, ऐसी बात नहीं है, हमको बहुत बिगड़ती है, कहती है शादी के करे दम पे किए हो, हम कहे हम शायर हैं भाई, आधा अपने दम पे आधा दूसरे दम पे, हम शायरों की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। बताओ हम लोग अपनी औरतों को छोड़ के चले आते हैं, हम यहाँ संचालन कर रहे हैं, हमारे घर का संचालन पता नहीं कौन कर रहा होगा, हम विक्टर भाई को कह रहे हैं एक बार फोन करके पूछ लो यार, नहीं तो शशिकांत आने भाई अपने पोइटी का अड्डा से हमको डाल देंगे गोल गड्ढा, या सब घूमत रही
यहाँ से रहते बनारस तक, तो कल्पना आई तो बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन आपका बड़ी बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत मिल रहा है और आने से उसके आए बाहर खोल कर रखा अपन मोहार। कोई दिन आएगी मेरी महबूबा, उसी दिन समझ लिया तो हर दिन डूबा। इतना बढ़िया प्यार से सुन लिया है। पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया, ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक का ताम झाम हो गया, अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। बहुत बढ़िया आपने सुना, ऐसे ऐसे आप सुनते रहिए। अगले शायर को सुनने के लिए कलेजा चाहिए, अब कलेजा उसी के पास होगा जो आज कलेजी खाकर आया होगा, इसलिए अब पता नहीं अल्लाह ने जिसको दिया होगा खाएगा, जिसका अभी बड़ा हो रहा होगा वो कैसे खाएगा। इसलिए भैया ऐसे आप कुर्बानी का तो बहुत चीजें खाते रहते हैं, लेकिन कुर्बानी पे ऐसे ही नहीं, पता नहीं कौन इतनी रात को लगता है वही का है क्या। चलिए कोई बात नहीं, सच्ची बात है, बेगम का ही फोन है, उनको ये नहीं समझ में आता है मैं सायमाइनू को की गोद में खेल रहा हूं। अब मैं भाई अमजद फिरोजाबादी साहब को एक शेर से आप तक पहुंचा रहा हूं। तहत के शायर हैं, दीप बाहर जब माननीय मोदी जी ने कहा कि दीप चौखट पे जलाओ, तब मैंने क्या कहा, दीप बाहर नहीं अंदर भी जलाना होगा, दीप बाहर नहीं अंदर भी जलाना होगा, वतन का कर्ज लहू दे के चुकाना होगा, वतन का कर्ज लहू दे के चुकाना होगा, अब खून पानी की तरह घर में बहाओगे अगर, कहां मिलेगा जो सरहद पे बहाना होगा। हम हिंदू मुसलमान एक रहेंगे नेक रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान एक रहेंगे नेक रहेंगे, और हम लोग जो बड़ी मोहब्बतों से रहेंगे, इसलिए जो है आपकी मोहब्बतों से मैं सिर्फ जमाल भाई ने जैसा पढ़ा था मैं उसी एक शेर के उसी अंदाज में बुला रहा हूं। भाई अमजद फिरोजाबादी साहब को फोटो तो बढ़िया खींच लो बेटा, क्या पता कल मिले ना मिले, यही फोटो देख के चपका के रोओगे। हाय राम गजब का कह रहा था, अरे आएगा भाई, हम लोगों का निगेटिव भी लोग लेकर के सोचते हैं कि यही वही होगा। अब आप लोग बड़े प्यार से सुन लीजिएगा, नहीं तो ये चार पंक्तियां, अब आप खामोश हो गए, अब आप इसी खामोशी में सुन करके तालियों से नवाजते हुए भाई अमजद फिरोजाबादी को बुलाना है कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल माँ के कदमों में पाई जाती है। जोरदार तालियां अमजद फिरोजाबादी, एक तालियां। बढ़िया शेर पड़ गए।
विक्टर भाई शेर बढ़िया पढ़े कि नहीं? जमाल भाई, हाजी साहब, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी शहर से कोई भी शायर अगर ना बुलाया जाए, सिर्फ लोहता से एक गाड़ी भेज दिया जाए, वहां से 10 बोरा शायर आ जाएंगे। इतने शायर वहां हैं। लोहता के लिए कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा देख के चलिएगा, कहीं कोई शायर न टकरा जाए, और शायर टकरा जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि अगर टकरा गया और उसको समझ में आ गया कि ये सुनेगा तो वो पकड़ लेगा, कम से कम 100-200 तो सुनाएगा पूरा। एक जगह हाजी साहब इसी तरह बुलाए गए, नौजवानी में खूब शेर पढ़े इन्होंने। पहले बड़ी तगड़ी आवाज थी रूना लैला की तरह, अब वैसी आवाज आज भी है, मगर आपके सुनने का फर्क है। आज भी वही आवाज, वही शेर, वही शेर के अंदर जो उसकी गंभीरता है, जो उसके अंदर उसकी मिठास है, आज भी उन्होंने घोल कर रखी है। इसलिए बार बार कह रहे थे तवज्जो से सुनना, ये ऐसे खूबसूरत शेर पढ़ गए कि उसको हम बहुत गौर से सुने। हमारे मीडिया वाले आने भाई भाई जो उन्हें पूरा इंटरनेट पे शूट कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे भी आएगा, ये कोई मामूली मुशायरा नहीं है। आप पूरे दुनिया में छाने वाले हैं, आप पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। जरा गौर से सुनना यारों, आज मुशायरा अपना, आप सब लोग कल टीवी पे आने वाले हैं। आप देखिए, ये लोग डर गए कि हम कहीं इधर उधर करेंगे तो हमारा ना आ जाए। अब आप लोग बहुत प्यार से मुशायरा सुनेंगे, मुशायरा चलाएंगे। ये अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत का ख्याल रखना है, अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत का ख्याल रखना है, ये सोच कर कि जैसा इन्होंने रखा है आगे आपको भी उन्हीं की तरह बाल रखना है। इनके बाल सफेद हो गए, जिनके बाल सफेद हो गए घबराएं नहीं, वो बूढ़े बिल्कुल ना घबराएं। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं हंसने हंसाने का काम तो करता रहूंगा, मगर सदरे मोहतरम की इजाजत, उनका हुक्म मैं सर आंखों पर लेता हूं, ताकि लोग कल कहें कि ए अंबर इलाहाबादी एक ऐसा लड़का है जो अपने बुजुर्गों की बात मानता है और अपने नौजवानों की हर बात पहचानता है। और करधना के लोगों, अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो हम इस तरह गाएंगे, अरे ना बजाएगा ताली तो हमका खूब आखरी, यही करधना में रोज हम चरौबे बकरी, उल्टी भगवान के चलानी आ कैसे सपरी, बोए तरबूजा तो जाले होइगे कच्चे काकारी। आप लोग ऐसे ही ताली बजाना अभ्यास करवा रहे थे आपको, एक्सरसाइज एक्सरसाइज पूरी हुई, आप थकी और हमारी मीटिंग खत्म हुई। अब जमाल बनारसी को सुना जाएगा। हमारे बीच में भाई अमन सिंह बहुत खूबसूरत, एक बार खड़े हो जाइए अमन भाई। भैया हम समझ नहीं पाए, अरे अमन सिंह मेरे बहुत ही एक नौजवान साथी हैं और हम समझ नहीं पाए वो झुके क्यों, क्योंकि जो मंजिल की तरफ चल पड़े तो फिर ये रुक नहीं सकते, जो मंजिल की तरफ चल पड़े तो फिर ये रुक नहीं सकते, ये माँ बाप के कर्जे हैं कभी चुक नहीं सकते, ये माँ बाप के कर्जे हैं कभी चुक नहीं सकते। अब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं दुनिया के बगीचे में जो कट तो सकते हैं मगर चुक नहीं सकते। ए अमन सिंह अपने, जिन्होंने मुशायरा में बहुत मोहब्बतें दी वासिफ भाई को, इसलिए हम इनको इतना खूबसूरत लिबास पहन के आए हैं। लेकिन जो पानी से नहाते हैं वो लिबास मेरे सामने, अमन सिंह भैया मेरे सामने वो लोग बैठे हैं, करधना हैदराबाद के लोग, ये बनारस काशी की सरजमी पूरे दुनिया को एक दिशा देती है, पूरे
दुनिया में जाना जाता है आपका काशी, आपका बनारस, और पूरे आधी पिक्चरें आपके दम पे बनी हैं, आपके आपका रंग लेकर, आपका रूप लेकर, आपका गाना लेकर, आपका ये संस्कृति लेकर, आपका ये तहजीब लेकर सभी गाने बने। इंडस्ट्री के लोग कितना छाए, भोजपुरी में कितने गाने बने, कितने अरे जब से गया छोड़ी कहे बाल मुँह कचौड़ी गाली सुन कैलाना। अहिया वासी भाई से क्या कहती इनकी बेगम, वासी भाई से अरे गोल रैया मटर लैया बल में गोल रैया मटर लैया ले आन तीन झोला। और जब देखने लायक तो कुल झुरान रहा, तेन से कहती आप हरा हरा क्यों नहीं लाए, कहे भाई हम अपने उम्र के हिसाब से ले आए कि तुहरे उम्र के हिसाब से ले आए। भाई जे जैसे रहा तो झुरान पुरान वैसे ले आए। और ये दाढ़ी रखते हैं, ये टोपी रखते हैं, इनके अंदर अंदर सुन्नत ये है, और इनको अभी जीते जी जन्नत हो गई। इसलिए कहते हैं जो पानी से नहाते हैं मेरे सामने वो सामाइन है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। यहाँ सब मेहनत की रोटी खाने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए ऐ मेहनत कश लोगों, ऐ अल्लाह के बंदों, किसी भी जुल्मी से मत डरना, अन्याय का मुकाबला करना, अगर किसी से डरना तो सिर्फ खुदा से डरना। इसलिए उसी के ही घर में उजाला न होगा, चरागों को जिसने संभाला न होगा, उसी के ही घर में उजाला न होगा, चरागों को जिसने संभाला न होगा, सदा आ रही है यहाँ सिसकियों की, ये मुमकिन है घर में निवाला न होगा, ये मुमकिन है घर में निवाला न होगा। अब फलक तक निशान छोड़ सकता पत्थर, तबीयत से तुमने उछाला न होगा। फलक तक बड़ा शेर है, फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, तबीयत से तुमने उछाला न होगा। अगर सबके दिल में खुदा ये न होता तो ये मस्जिद न होता, शिवाला न होता, चरागों को जिसने संभाला न होता। बहुत बढ़िया सुना भाई, भाई, भाई अमन सिंह हमारे बीच में हैं, भाई निसार अंसारी साहब, राम कुमार गुप्ता जी टावर वाले हैं, टावर वालों को बीच बीच में नाम लेना रहेगा, इसलिए कि टावर से पावर आता है। मान लीजिए नेटवर्क चला गया हम लोग तो कितना लाइन में रहा, इसीलिए जो है मैनुद्दीन भाई नेता हमारे, मैं उनको सलाम करता हूँ। ताहिर भाई, नन्हू सिंह, मैं सबका नाम बीच बीच में लेता रहूँगा, वो लोग भी अपनी मोहब्बतों से यहाँ नवाजते रहेंगे। मैं एक शेर से मैं जमाल बनारसी जी को सुनना चाहता हूँ, हालांकि बाद में जो इनका बेटा मिला हम कहे आप किसके बच्चे हो, तो हम कहे यार तुम यार ऐसे सलाम मार दिए यार कमाल के बच्चे हो, कहे नहीं नहीं हम कमाल के बच्चे नहीं हम जमाल के बच्चे हैं। हम कहे अच्छा अच्छा तो ये बात कैसे हो गई, तो स्थिति ऐसी हो जाती है इनका बच्चा भी जब शायरी के रूप में आया तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें बरसी। ऐसे जमाल बनारसी साहब, हम उनको बड़ी मुद्दतों से जानते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था हमारे बिना ये इतना झूला जाएंगे, नहीं तो हम इन्हीं के पास रह गए होते। अब आपको संभालना है, इनके शेरों की हिफाजत करना है। मैं इन चार पंक्तियों से बुला रहा हूँ, वासिफ भाई का मुशायरा है ये जम जाएगा, ये आपकी मोहब्बतों का मुशायरा है ये जम जाएगा, और ये कैसे जमेगा, ये आपकी मोहब्बतों से आपके दम पे जमेगा, ये अपने बड़े बुजुर्गों, अपने नौजवानों, अपने गाँव के इन लोगों से जमेगा। इसलिए अंबर भाई चार पंक्तियों से जमाल बनारसी को आवाज देते हैं। किसी पहसालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हवा जब तेज चलती है समंदर कांप जाता है, हमारी सादगी को बुझ दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल उठते हैं सिकंदर कांप जाता है। ये बात हो गई भाई जमाल बनारसी, आपके लिए पूरा मैदान बना दिया मैंने।
तुझे देख कल के निखरने लगा हूँ, अब किसी फूल की तरह बिखरने लगा हूँ। ऐ योगी जी अब मेरी मत फिक्र करना, फूले आम खेतों को चरने लगा हूँ। आपने बहुत बढ़िया से सुना, खेतों में इतने सांड हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं, पहले तो ना ही रहे। तो वो कहती है अरे धीरे से बोलिए बेटा, ये सब बाबा के आदमी हैं। अरे बाप रे, उस समय तो अखिलेश अपने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सरकार थी, चुनाव चल रहा था, एक जगह उन्होंने बोल दिया मीटिंग में, ये जो चौराहे ये जो 100 नंबर खड़ी है ये सब हमारी देन है। इतने में बाबा योगी भी एक मीटिंग में जोश में आके बोल दिए ये जो चौराहे और खेत खेत सांड खड़े ये सब हमारी देन है। अब पब्लिक समझ नहीं पा रही किसका देन ज्यादा बड़ा है। अब उसी में वोट जो है झमाझम कुदाए कुदाए उधर चला गया। कांग्रेस वालों ने कहा आप हमको पंजे पे बटन दबा के जिताइए, आप पार्टी ने कहा आप हमको झाड़ू पे बटन दबा के जिताइए, सपा वालों ने कहा आप हमको साइकिल पे बटन दबा के जिताइए, बसपा वालों ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के जिताइए, भाजपा वालों ने कहा आप लोग जो है जौन बटन दबा दो जीत तो हम ही। तो हमने कहा भैया ऐसा कौन चीज जो हमें डार के फिट कर दियो हो, कौन चीज डारो चला जाते तोहरे मुहे में, ऐसी क्या बात आ जाती है। इससे बहुत समस्या है भैया, जब क्यों मुंह फैलाए लीन ले तो हमारे सबन का क्या हो। तो किसान लोग रोने लगी जब फूल खेत चरिए न चना न मटर न कहूँ कुछ, इतना सचुरे परेशानी। तो किसान लोग रोवे लागे, जब रोवे लागे तो हम ओह में अपन लाइन टोवे लागे, जब टोए तो ऐसे ही बना रो रहे हैं। कैसे रोते हैं सुने, इन इंसानों ने रोवा था ना सू ढरकत बा, इन्हीं साड़ों ने चर ली ना खेतौना मेरा, लाठी से मार के भगाता है बेटौना मेरा। हे जी हमारी ना मानो मुलायम से पूछो, हमारी ना मानो मुलायम से पूछो, माया के मूल धल छीना बेटौना तेरा, हो जी बछौना तेरा, हो जी योगी जी दमादम मस्त कलंदर घुस गए खेत के अंदर, गजब का है स्टैंडर ये कहते कभी फिरे अंबर। हे योगी जी हे मोदी जी मुझे नहीं चीना, तेरे साड़ ने योगी बड़ा दुख दीना, इन्हीं लोगों ने चर लीना खेतौना मेरा। हो भाई अमजद भाई 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 थोड़ा अब दोबारा जब छाती से लगाना थोड़ा धीरे से लगाना, क्योंकि छाती जुड़ाई की जगह सर्व छाती चरचराई कराई टूट गया है। तो का छाती से लगाए हमका का मिली बतावा, हाथी यस तू अब हमार छोट के छाती तो चराई के दबाई दे, पता चला कि कुछ रहबन की है। एक तो शरीर में खुदे खुद, एक बार हमारे एक दोस्त ने फोन किया, हमारे बेगम की डिलीवरी है जरा पहुंचो अंबर भाई, हम सोचे हमका खून देना, हम खून दे बहुत आगे जेकरे ना रहा तू पहलन धावा था, हम दौड़े हम कहे केका देना है जल्दी बताओ एकदम ताव में है।
तो जैसे पहुंचे नर्स के पास, कहे चढ़ो, हम कहे बिना निकले कैसे चढ़े, तो बोला नहीं नहीं तराजू पे चढ़ो, पहले तौला जाएगा, जब वजन सही रहेगा तब ही निकलेगा, जैसे ही तराजू चढ़े वजन सर्वकम बता दिया। वो हमको डांट के कहती है भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें खुद ही खून की जरूरत है। तो हम कहें नहीं हमारा ले लो, कहे आपके लेने में खतरा है, दो बोतल निकालेंगे चार बोतल चढ़ाएंगे तब जियोगे। हम कहे अच्छा अच्छा रुको रुको, आपका कितना वजन है? हम कहे हमारा कितना है? बोला आपका 40 किलो। हम कहे तो बहन जी आपका कितना है? बोला वो हमारा भी 40 किलो। हम कहे तो हमको आके पीछे मिलो। तो दोनों लोग मिल जाए एक में, तो कम से कम दोनों का 80 किलो हो जाए। पता चला तुम भी खून के लिए परेशान, हम भी। तो मुझे जो है मोहब्बतों से भरा मानसून देता है, शेर यहाँ से निकलता है, बनाता हूँ फिलवदी है, मोहब्बतों से भरा। डाइक पर तमाम उस्ताद शोरा बैठे जो अपने झोरा में कई कटोरा लेकर के बैठे। हमारे बीच में मुंशी रजा साहब हैं, और हमारे बीच में अभी 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 पूजा नमो का भाई। हाँ, अरे भैया पूजा भारती आ गई। पूजा भारती जी के एक बार जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। पूजा भारती अगर बगल में घर हो तो हमका रोज मारती, लेकिन कहो इतना दूर पे है ये, इसलिए मैं इनको जो है बहुत बहुत दुआओं से नवाजता हूँ। और अक्सर प्यार हो जाता है तो मारपीट हो गई गलत हमें। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, जो भी आशिक मिले उसको कूचो सनम। हाल क्या है दिलों का, ऐसे बन गया। ये कोई शायरी नहीं है, लेकिन इसमें मोहब्बत है, मजा है, मनोरंजन है। यही तो आप लोगों की दुआएं हैं। इतना तेज हम चिल्ला रहे हैं, लोगों को आने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हैं जब यही सुनात बत जाई का। इतना प्यार है इस गांव में, हम देख रहे हैं सब लोग अपने अपने छते पर चढ़े हैं। जेकरे छत ना आबा खपड़ा चढ़े हैं, जेकरे खपड़ा ना आबा मढ़ही चढ़े हैं। ज्यादा जोश में आ जाएंगे हप दे मढ़ही नीचे, अपना दोनों टांग के बीच में बांस घुसेड़ देंगे। ऐसे श्रोता हमारे सामाइन यहाँ सब सुन रहे हैं हमको। ये तो कहो ऊपर वाले ने आप लोगों को पक्का मकान दे दिया। हमारे तो पक्का मकान तो है, लेकिन जब हमारी बेगम ने मच्छरदानी लाया तो उसका चूहा काट दिया। जब चूहा काट दिया तो हम बेगम से कहे कि एका यार एक दिन सी डर तो उसी भाई न करे, कई दिन हो गए ये हमरे, जब सीबन करे तो हमने क्या किया। कहे मच्छर रोज घुसते हैं, मच्छर रोज घुसते हैं। हमारा लड़का कहे पापा मच्छर रोज घुस जाते हैं। हम कहे आज हम मच्छरों को भरमा देंगे, मच्छरों को भी पता नहीं चलेगा घुस रहे हैं कि निकल रहे हैं। तो जैसे इधर छेद किया था वैसे एक छेद उस तरफ भी कर दिया, अब दोनों में एक पाइप घुसेड़ दिया ऐसे। तो जब मच्छर आते थे सोच रहे थे अब तो घुसबाई करा बढ़िया से, अब साले वो क्या करते थे इस पार घुसते तो उस पार सन्निध निकल जाते थे, सारे भरम हो आइए वो में जाप नहीं कर रहे। तो सीए जरूरत ने आप लोगों में भी अगर मच्छरदानी फटी हो तो पाइप घुसेड़ देना कल से, देखे साला कौन मच्छर आपका खून पीता है। खून बहुत कीमती होता है। तांबर भाई एक शेर निकालते हैं फिलवदी। मोहब्बतों से भरा मान सुन देता है, ख्याल आपका दिल को सकून देता है बहुत दोस्त मेरे कहने को यहाँ लोगों, ये देखना है मुझे कौन खून देता है। जब खून देने की बात आती है, मैं ये अपना मुल्क का ये सच्चा मुसलमान बैठा है, ये सच्चा हिंदू बैठा है, ये कौन है जो मेरे बीच में बैठा है, ये कौन है जो मेरे बीच में बैठा है। अंबर भाई दो पंक्तियां कहते हैं, सियासत इस मुल्क पर कुछ इस तरह एहसान करती है, सियासत इस मुल्क पर कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें निकाल लेती है फिर चश्मे दान करती है। इसलिए अपनी आंखों को बचाना, किसी को बुरी नजर न लग जाए। आंखों से जो दिखाई दे वही सच्चाई की तकरीर है, उसी को पढ़ना दोस्तों।
और ये कुरान ये आयतुल कुर्सी इसको जेब में लिए रहना, इसको सीने से लगाओगे तो तमाम मोहब्बतें मिलेंगी। जब अल्लाह ताला साथ रहेगा किसी से घबराना नहीं। अगर फिरौन है तो मूसा जरूर आएगा। तुम्हारे दिल में अगर ये गुरूर आएगा, तुम्हारे दिल में अगर ये गुरूर आएगा, मोहब्बतों का नहीं जो सुरूर आएगा, तो इतना जान ले ऐ जुल्म ढाने वाले, अगर फिरौन है तो मूसा जरूर आएगा। नाज़िम इजलास से मेरी गुजारिश है कि शायरों की फहरिस्त तवील है, इसका ख्याल रखते हुए कम अशार आप पढ़ें और शायरों को पढ़वाएं, क्योंकि आपके हुक्म था, आपके हुक्म की जैसा कि मैं तामील इसलिए करना चाहता हूं, और मुझे मोहब्बतों से कहा गया कि ये लगा कि इसके बाद कोई अच्छा शायर आएगा पढ़ेगा, तो आप मैं एक शेर से हाजी लोहतवी साहब को बुला रहा हूं। उस्ताद हाजी लोहतवी साहब, आप माइक पर बने रहेंगे साहब, थोड़ा सा हौसला मिलता रहेगा। एक शेर से बुला रहे हैं हाजी साहब, ताकि आपको शिकायत ना हो कि हमारे लिए कुछ कहे नहीं किसी ने, और हमका डायरेक्ट सरवा बुलाई ली है। तो हम आपको बड़ी मोहब्बत से एक शेर दे रहे हैं, अपने 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 बुजुर्ग हैं, अपने यूं ही नहीं चल के मुझ में ये तर्जे सुफन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है, और एक शेर ये अगर आपके दिल में कहीं घर कर जाए, कहीं चोट कर जाए, तो अपनी तालियों से नवाज कर हाजी लोहतवी साहब को बुलाना है इस शेर से। ऐसा नहीं कि मेरा बुरा वक्त कट गया। इमरान भाई, अच्छा खाना खाने गए। हाँ मुंशी जी, ऐसा नहीं कि मेरा बुरा वक्त कट गया, मजबूरी हालात में दामन सिमट गया। अब शेर पे आप ही तवज्जो चाहेंगे। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देख कर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देख कर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। आप जोरदार तालियों से, मोहब्बतों से भाई जौहर जौहर कानपुरी के शेर के साथ भाई हाजी लोहतवी साहब को सुने, एक जोरदार तालियां हो जाए।